बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट डिटरमिनिंग स्टेप, या जिसे रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले तीन और टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। एक टर्म है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, या जिसे रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं। दूसरा रेट इक्वेशन, और तीसरा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है? जब हम मुख्तलिफ रिएक्शंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होता। अक्सर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है। उनमें से कुछ स्टेप्स स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, और एक स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी सबसे स्लो होता है। ऐसे स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। रेट इक्वेशन क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वो इक्वेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हिस्सा ले रही हैं उनको जाहिर करे, ऐसी इक्वेशन को रेट इक्वेशन कहते हैं। What is the significance of finding out rate equation? Finding out the rate equation of a reaction experimentally is very useful. हम जानते हैं कि रेट इक्वेशन कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं मालूम की जा सकती, ये हमेशा एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। अब इसके फायदे क्या हैं? नंबर वन, एक्चुअली इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी to look into the detail of reaction, यानी रेट इक्वेशन हमें एक मौका फराहम करती है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिटेल से स्टडी कर सकें। दूसरी बात, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मे नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वे द रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस। यानी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें नहीं बताती कि असल में रिएक्शन होता कैसे है, वो हमें पता चलता है रेट इक्वेशन से। तो रेट इक्वेशन के दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा कि रेट इक्वेशन हमें एक मौका फराहम करती है कि हम उस रिएक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करें। दूसरी बात, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती कि आया एक रिएक्शन होता कैसे है। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे NO2 गैस और CO गैस मिलके NO गैस और CO2 गैस बनाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट से जब इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन फाइंड की गई तो पता चला कि वो ये है कि रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 raised to power 2। और इस एक्सपेरिमेंट्स में यह बात पता चली कि अगर हम NO2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए 4 times हो जाता है, और अगर NO2 की कंसंट्रेशन 3 गुना कर दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन 9 times हो जाता है। ये इक्वेशन ये बताती है कि इस केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इस केमिकल रिएक्शन की रेट इक्वेशन में मौजूद ही नहीं है। दूसरे लफ्जों में ये रेट इक्वेशन हमें बताती है कि ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, क्योंकि असल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में NO2 के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, पर वो इस रेट इक्वेशन में, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप से पता चलती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद नहीं है, लिहाजा ये किसी और स्टेप में यूज होगा। और दूसरी बात, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में NO2 के 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे, क्योंकि रेट इक्वेशन में NO2 की कंसंट्रेशन की पावर 2 है। अब इसी बेस पे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज किया गया। प्रपोज्ड मैकेनिज्म में
NO2 के दो मॉलिक्यूल स्लो या रेट डिटरमिनिंग स्टेप में मिले और NO3 और NO बना। जबकि गौर से देखिए कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें NO2 का एक ही मॉलिक्यूल है, जबकि यहां आप देखें कि इन दो स्टेप्स में पहले स्टेप में NO2 के दो मॉलिक्यूल आ गए। अब असल में तो एक ही यूज होना, लिहाजा इसका मतलब ये अगर एक स्टेप में यूज हुआ है एक से ज्यादा तो दूसरे स्टेप में ये बनेगा। तो इसीलिए देखिए यहां एक NO2 का मॉलिक्यूल बन रहा है। दूसरी बात, यहां एक्चुअल रिएक्शन में प्रोडक्ट में कहीं हमें NO3 दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा अगर पहले स्टेप में NO3 बना है तो आगे चल के इसने यूज होना। तो ये देखें यहां पे यूज हो गया। तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स के अंदर एक NO है और एक CO2 है, तो ओवरऑल यहां से NO बचेगा और ये CO2। तो जब हम इसको सम अप करेंगे स्टेप वन और स्टेप टू को तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। तो इसमें जो पहला स्टेप है चूंकि ये स्लो है इसीलिए इसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? अ रिएक्शन इंटरमीडिएट आर जस्ट एन इंटरमीडिएट इज अ मॉलिक्यूलर एंटिटी दैट इज फॉर्म फ्रॉम द रिएक्टेंट्स आर प्रीसीडिंग इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्ट्स फर्दर टू गिव डायरेक्टली ऑब्जर्व प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म है, तो इसमें आप देखें पहले स्टेप में NO3 बना है जो कि एक मॉलिक्यूल है और इसमें मॉलिक्यूल की तरह बॉन्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि असल रिएक्शन में ये मौजूद नहीं है लिहाजा आगे दूसरे स्टेप में जाके ये यूज हो गया। तो ऐसे किसी भी केमिकल को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट टेम्परेरी एग्जिस्टेंस रखते हैं, मतलब अगर ये किसी केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट स्टेप्स में से किसी एक स्टेप में बनता है तो लाजमी किसी और स्टेप में यूज भी हो जाता है। इसी तरह ये अनस्टेबल होता है चाहे रिएक्टेंट्स के लिहाज से देखा जाए और चाहे प्रोडक्ट्स के लिहाज से देखा जाए, यानी इसकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से ज्यादा होती। तीसरी बात, दिस इज अ स्पीशीज विद नॉर्मल बॉन्ड्स एंड मे बी स्टेबल इनफ टू बी आइसोलेटेड अंडर स्पेशल कंडीशंस, खास कंडीशंस में इसे आइसोलेट किया भी जा सकता है। मसलन बाज़ औक़ात इंटरमीडिएट्स को चिल्ड इन्वायरमेंट दे के आइसोलेट कर लिया जाता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हम ऊपर एक रिएक्शन पढ़ के आए थे तो उसमें हमने देखा कि NO3 एक स्टेप में बना जबकि दूसरे स्टेप में यूज हो गया, जबकि वो बैलेंस्ड इक्वेशन में मौजूद नहीं है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? रिएक्शन इंटरमीडिएट की। जैसे ये देखिए, ये ओवरऑल रिएक्शन है जबकि ये इसके दो स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में NO3 बना जबकि दूसरे स्टेप में यूज हो गया, जबकि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कहीं भी NO3 मौजूद नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है रिएक्शन इंटरमीडिएट की। अब चूंकि हम डिस्कस कर चुके हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट इक्वेशन और मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, लिहाजा अब हमारे लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझना बहुत आसान है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन दो तरीकों से किया जा सकता है। The order of reaction is given by the sum of all the exponents to which the concentrations in the rate equations are raised. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो पार्स होती है उनका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल ली थी और उसकी रेट इक्वेशन जो है वो ये थी कि रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इन टू कंसनट्रेशन ऑफ NO2 रेस टू पावर 2। तो यहाँ इस रेट इक्वेशन में चूंकि रिएक्टेंट जो कि NO2 है उसकी कंसनट्रेशन की पावर 2 है, लिहाजा ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जाम्पल। दूसरे अंदाज से इसे यूं भी डिफाइन किया जा सकता है
कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशंस एल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मजीद एलैबोरेट करने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जिसमें ए के ए मोल्स और बी के बी मोल्स मिलकर सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स बना लें। अगर हम सपोज कर लें कि ये जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में होता है तो लिहाजा यही स्टेप इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप भी होगा, तो फिर हम इससे रेट इक्वेशन बना सकते हैं। तो रेट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पार ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू पार बी। अब इस केमिकल रिएक्शन का ए के लिहाज से ऑर्डर स्मॉल ए होगा और बी के लिहाज से ऑर्डर स्मॉल बी होगा और ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर ए प्लस बी होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से याद रखने बहुत जरूरी हैं, जैसा कि द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिंड क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी इन्फर्ड सिंपली बाय लुकिंग एट द रिएक्शन इक्वेशन। कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंट से मालूम किया जाता है, ये कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के पता नहीं चलता। जैसा कि हम जानते हैं, पहले डिस्कस कर लिया है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन से पता चलता है और रेट इक्वेशन हमेशा एक्सपेरिमेंट से आते हैं। इसी तरह सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन द रेट इक्वेशन मे आर मे नॉट बी द सेम एज इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी जो रेट इक्वेशन के एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के एक्सपोनेंट्स के सम के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो तब सकता है जब कोई केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में हो, लेकिन जब एक से ज़्यादा स्टेप होंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ऑर्डर की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, मसलन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस एटसेट्रा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने का असल मकसद किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करना है। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मसलन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर एग्जांपल देखें तो डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, ये उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिंड रेट इक्वेशन ये है। अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बैलेंस्ड इक्वेशन में N2O5 के दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, जबकि रेट इक्वेशन में N2O5 की कंसंट्रेशन की पावर 1 है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन और ये दोनों जब कंपैरिजन की जाती हैं तो ये पता चलेगा कि ये लाजमी एक से ज़्यादा स्टेप्स में होने वाला रिएक्शन। अब ये इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है कि N2O5 स्लो स्टेप में डीकम्पोज होकर N2O3 और O2 बनाता है, जबकि फास्ट स्टेप में N2O3 एक और N2O5 से मिलके N2O4 के दो मॉलिक्यूल बना देता। तो ओवरऑल ये N2O3 यहाँ बनेगा और यहाँ यूज हो जाएगा, तो हम पढ़ के हैं इसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। जबकि ओवरऑल रिएक्टेंट्स में N2O5 के दो मॉलिक्यूल, N2O4 के दो मॉलिक्यूल और एक O2 का मॉलिक्यूल हो जाएगा। चूंकि पहला स्टेप स्लो स्टेप है, लिहाजा ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और इसमें N2O5 का चूंकि एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, लिहाजा ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल।
सेकेंड एग्जाम्पल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये इसका केमिकल रिएक्शन है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाटर से मिलकर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और HBr बनाता है। ये इसकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिंड रेट इक्वेशन है जिसमें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन की पावर 1 है। लेकिन यहाँ असल में वाटर भी तो है, लेकिन चूंकि वाटर इन एक्सेस है लिहाजा ये रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लिहाजा वाटर के लिहाज से ये जीरो ऑर्डर हो जाता है और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर। तो असल में तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं था, सिर्फ वाटर को एक्सेस में डालने से फर्स्ट ऑर्डर बन गया, इसीलिए इसका नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तीसरी एग्जाम्पल है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की और यह है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद ओजोन। रिएक्शन क्या है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड NO ओजोन से रिएक्ट करता है, NO2 और O2 बनता है। अब ये एक ही स्टेप वाला रिएक्शन है लिहाजा यही स्लोएस्ट स्टेप भी हुआ, रेट इक्वेशन यहीं से आएगी। तो रेट इक्वेशन में NO की कंसंट्रेशन की पावर 1, O3 की कंसंट्रेशन की पावर 1, लिहाजा NO के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर, O3 के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर, जबकि ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल हो। हमारे पास चौथी एग्जाम्पल है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की और ये एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराइड एंड पोटाशियम आयोडाइड। ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये इसकी रेट इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें तो असल में 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन रेट इक्वेशन में FeCl3 का 1 और पोटाशियम आयोडाइड का जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज हिस्सा ले रही, लिहाजा FeCl3 के लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर और पोटाशियम आयोडाइड के लिहाज से ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब इस रेट इक्वेशन से भी हमें यही पता चलता है कि ये रिएक्शन भी लाजमी एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है। अब इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म देखें कि ये रिएक्शन है, ये पहला स्टेप है स्लो, FeCl3 प्लस 2KI गिव्स FeI2 प्लस 2KCl प्लस Cl नेगेटिव, जबकि ये फास्ट स्टेप है दूसरा, 2KI प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स 2KCl प्लस I2। अब चूंकि ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, लिहाजा इसी के ऊपर रेट इक्वेशन बनेगी। इसमें FeCl3 का 1 मॉलिक्यूल है लिहाजा इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर, KI के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये 2 एंटिटीज हैं, लिहाजा ये सेकेंड ऑर्डर, तो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर। और ये हमने ओवरऑल इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये इस ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। इसी तरह पांचवी एग्जाम्पल है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। तो ये रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन गिव CCl4 प्लस HCl। अब यहां से तो कोई कहीं से हमें पता नहीं चल रहा कि ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है, लिहाजा हमने इसका मैकेनिज्म स्टडी किया। फास्ट स्टेप में ClCl बॉन्ड ब्रेक होके 2 Cl रेडिकल बनते हैं, फिर क्लोरोफॉर्म के साथ एक Cl रेडिकल स्लो स्टेप में मिलके CCl3 रेडिकल और HCl बनाता है, फिर ये CCl3 रेडिकल इनमें से एक Cl रेडिकल के साथ मिलके फास्ट स्टेप में CCl4 बनाता है। चूंकि ये स्टेप स्लो है तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसमें आप देखें कि क्लोरोफॉर्म का एक पूरा मॉलिक्यूल है जबकि क्लोरीन का हाफ मॉलिक्यूल है, लिहाजा ये इसकी रेट इक्वेशन होगी, रेट इज इक्वल टू के इंटू CHCl3 की कंसंट्रेशन रेस टू पार 1 यानी इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर और Cl2 की पार हाफ यानी इसके लिहाज से हाफ ऑर्डर, तो ओवरऑल 1 प्लस हाफ 1.5, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5, मींस ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल। इसी तरह जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे फोटोसेंसेस है, फोटोसेंसेस जो रिएक्शन है इसमें CO2 और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में
ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि चाहे CO2 और वाटर अवेलेबल भी हो, जब तक सनलाइट ना हो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये एक ऐसा रिएक्शन है जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो सच अ रिएक्शन इज ऑलवेज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये देखने के लिए कि हमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस हद तक समझ आ गया है, हम कुछ MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। मसलन क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1, यानी सपोज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब रेट की जो यूनिट होती है वो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है, ये के आ गया। अब कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर 1 होगी। हमें k की यूनिट चाहिए, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की यूनिट क्या निकलेगी, मोल मोल से कैंसिल, पर डीएम क्यूब कैंसिल, तो k की यूनिट आ गई पर सेकंड। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर यहाँ पे 1 की बजाय 2 होता तो यहाँ इसका स्क्वेयर होता, तो एक तो जाके कैंसिल हो जाता, एक बच जाता, तो इसकी यूनिट पर सेकेंड ना होती कुछ और होती। इसका मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका आंसर अल्फा। इसी तरह विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज करेक्ट, पहला है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। भाई अभी हम पढ़ के आए थे कि ये तो जीरो ऑर्डर भी हो सकता है जैसे फोटोसेंसेस, ये तो नेगेटिव भी हो सकता है जैसे पेट्रोल की कंबस्चन को कम करने के लिए उसमें टेट्रा इथाइल लेड डाला जाता है, ये नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल। इसका मतलब अल्फा रॉन्ग है। अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज आल्सो बायोमॉलिक्यूलर, कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है वो बायोमॉलिक्यूलर भी होगा, ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी हम एक रिएक्शन पढ़ के आए थे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस की थी जिससे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और HBr बना था। तो अब उस रिएक्शन की अगर मॉलिक्यूलरिटी देखें तो वो दो थी, यानी एक टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एक वाटर, जबकि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं था, वो 1 था। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकती है। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग आंसर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज हो सकता है पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, ये तो हम बार बार पढ़ते आ रहे। सो आंसर इज डेल्टा। तीसरा क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 एन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 1 इज। अब हमें नजर आ रहा है कि रेट इक्वेशन में ए जो कि एक रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर 2 है, लिहाजा ये रिएक्शन ए के लिहाज से सेकेंड ऑर्डर है, और बी जो भी एक रिएक्टेंट है उसके उसकी पावर 1 है, लिहाजा इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर। तो ओवरऑल 2+1 कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेल्टा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए गिव्स बी, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड 4 times, द ऑर्डर ऑफ ए फॉर दिस रिएक्शन। अब देखें, जब आप कंसंट्रेशन 4 गुना करते हैं तब जाके रेट डबल होता है, तो इसका मतलब नाम से ही जाहिर है ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर फर्ज किया हम कंसंट्रेशन को डबल करते रेट डबल हो जाता, 3 गुना करते रेट 3 गुना हो जाता, फर्स्ट ऑर्डर होता। इसी तरह अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते रेट पे कोई फ़र्क ना पड़ता, 0 ऑर्डर होता। हम कंसंट्रेशन को डबल करते रेट 4 गुना हो जाता, हम कंसंट्रेशन को 3 गुना करते रेट 9 गुना हो जाता, तो वो सेकंड ऑर्डर होता। लेकिन चूंकि हम कंसंट्रेशन को
चार गुना कर रहे हैं, रेट दो गुना हो रहा है यानी हाफ है, तो ये हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। आंसर इज डेल्टा। इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चूंकि वाटर इन एक्सेस है लिहाजा अब इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगा और वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा RCl की कंसंट्रेशन पे, तो ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट है। लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल तो दो ही हैं, जैसा कि हमने MCQ नंबर 2 में डिस्कस किया, एक अल्काइल हैलाइड है दूसरा वाटर, लिहाजा इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, सो द आंसर विल बी बीटा, यानी चूंकि दो मॉलिक्यूल ओवरऑल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है। लेकिन चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और वही इसकी रेट इक्वेशन में मौजूद होगा, लिहाजा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, सो द आंसर इज बी। इसी तरह इफ आई इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड सी इज कंसंट्रेशन फॉर द रिएक्शन जिसमें ए लाइट की प्रेजेंस में बी बना रहा है, देन तो चूंकि लाइट की प्रेजेंस में होने वाले रिएक्शन आमतौर पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, लिहाजा वो रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो लिहाजा जिस भी ऑप्शन में कंसंट्रेशन होगा वो गलत हो जाएगी। अब चूंकि ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, सो द आंसर विल बी चार्ज, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 7, ये रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये है कि ये जैसे नजर आ रहा है वैसे का वैसा ही है, ये एक ही स्टेप में होने वाला रिएक्शन है, ये इसका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनेंट स्टेप है। अब हमने इसमें CO को डाल दिया एक्सेस, तो अब CO की कंसंट्रेशन पे इसका ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा, लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ NO2 के लिहाज से होगा। अब अगर NO2 के लिहाज से है तो NO2 का चूंकि एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, लिहाजा ये कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे।